अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल। एंड क्या हाल है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक। जैसे आपने मेरी पहली वीडियो को इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। आज की रेसिपी टमाटो केचप के बारे में है। हम आपको बताएंगे कि घर में मुख्तसर जी चीज़ों के साथ बआसानी केचप बनाना इतना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए 3 kg टमाटर ताज़ा, 1 कप सिरका, 2 दालचीनी और 3-4 लौंग, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 प्याज। टमाटर को हम बीच में से अच्छे से काट लेंगे। जैसे आपको मुनासिब लगता है वैसे काट सकते हैं। मैं 4 पीसेस में काट रही हूँ। टमाटरों को मैंने एक कढ़ाई में डाल लिया और उसमें सब चीज़ें ऐड करेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा देंगे 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर। बीच में हम चम्मच हिलाते रहेंगे। टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है कि हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें बहुत कम है। अब हम कढ़ाई को नीचे उतार कर टमाटरों को अच्छे से ठंडा कर लेंगे और ग्राइंड करने के लिए हम इसको मिक्सर में डालेंगे। अच्छे से ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करने के बाद हम इसको एक बाउल में डाल देंगे। जो हमने मिक्सर तैयार किया था टमाटो केचप का, तो वो हम दोबारा कढ़ाई में डालेंगे, क्योंकि इसमें दूसरी तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। कढ़ाई को दोबारा चूल्हे पर चढ़ाकर अब हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें अब हम 1 कप चीनी, 1 चम्मच लाल चीनी और हसब ज़रूरत नमक, इसको हम अच्छे से मिक्स करके, सोया सॉस जाएगा इसमें 1/2 प्याली, और अच्छे से मिक्स करेंगे। अल्लाह ताला ने सूरत इब्राहिम आयत नंबर 7 में फरमाया, लाइन शक्र तुम ला अजी दन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा।
अब हम एक प्लेट में थोड़ा सा केचप निकाल कर देखेंगे कि इसमें पानी तो नहीं है, क्योंकि हमने पानी अच्छे से खुश्क करना है। तो अगर आपको नज़र अच्छे से नहीं आया तो मैं और ज़्यादा निकाल कर दिखा सकती हूँ, क्योंकि हमने पानी अच्छे से खुश्क करना है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। जी केचप बिल्कुल तैयार है, ठंडा करें और अच्छे से सर्व करें मेहमानों को। आजकल तो केचप का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा होता है, हर घर में होता है, तो इन्जॉय इट। जी आप दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह आपको तरक्की दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, इससे हमें हौसला मिलता है। तो अच्छे अच्छे वीडियो आने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।